हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने बोर्ड्स की क्लीनिंग, जो मेरा एवरी डे का रूटीन होता है इनकी क्लीनिंग करना। वरना देख, जैसे मुझे कमेंट आ रहे थे इनके लिए कि आप इनको रूम में मत रखा कीजिए, स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू बोर्ड से नहीं होता है, वो पिक से होता है। एंड सेकेंड चीज़ कि मैं इनको गंदा नहीं रखती हूँ, तो स्मेल आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। स्मेल वहाँ आता है जहाँ पे बर्ड्स को क्लीन नहीं किया जाता। मैं एवरी डे इनका केस क्लीन करती हूँ। केस क्या है, इनका केस गंदा नहीं होता है। मेरे केस जो है इनके नीचे लगा रहता है ट्रे, ट्रे को मैं एवरी डे क्लीन करती हूँ। और इनका खाना और पानी भी एवरी डे चेंज करती हूँ। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ये सब का। एंड एक मिनट लो, वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और ऐसे ही मैं एवरी डे करती रहती हूँ एवरी डे से। और इनको क्लीन पहले सुबह में उठ के, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले क्लीन ही करूँगी, कुछ करूँ ना करूँ। क्योंकि इनको खाना देख के ही मैं टैनी को स्कूल छोड़ती हूँ। वरना मैं कितनी देर में आई, या कभी कभी बीच में काम भी आ जाता है, क्या हो जाता है, सभी होता है ना। इसलिए मैंने सोचा कि इनको है ना वो करना चाहिए, मतलब पहले खाना दे के ही जाना चाहिए। क्योंकि मैं एक बार ही बिना दे के भी चली गई थी, लेकिन मैं आके फिर बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैं क्लीन करके बाहर बालकनी में इनको बैठा के चली जाती हूँ। पूरा दिन वहीं बैठे रहता है, आराम से खेलते रहता है। ये सीजू है जो इतना पंख फैला रही है,
नो भी नीचे बैठा है, वो मैं जहाँ बैठूंगी वहीं बैठा रहेगा, और को वो ऐसे ही करता रहता है, उसकी हरकतें ऐसी हैं। मैं प्यार से बोलूंगी, प्यार से मैं अगर बाहर निकाल दूँ तो मेरे पैरों के पास मतलब मेरे पीछे पीछे ही चलता रहेगा, और आप देख रहे हो मैं खाना दे रही हूँ तो वो देखते ही रहेगा। सीजू इधर उधर हो जाएगी, वो वहीं बैठा रहेगा, वो देखता ही रहेगा मुझे कि मैं कर क्या रही हूँ, कहाँ रख रही हूँ। अभी टैनी मैडम आई, देखो जो उनका झूला है छोटे वाले केस में, तो उसका झूला गिरा दिया, उसको इसी में तसल्ली मिलती है, उसको आती है लेती है उसको गिरा देती है, उसको शांति मिलती है ये गिरा के। पता नहीं बच्चों का होता है, कोई काम बिगाड़ के उनको शांति मिलती है तो उसको भी ऐसी शांति मिलती है, जैसे बिगाड़ देगी तो उसको शांति मिल जाएगी, फिर कुछ नहीं बोलेगी। लोगों को जानना था कि मैं दलिया कैसे बनाती हूँ, तो एकदम सिंपल है और सबको आता होगा, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, और आता भी होगा तो वो लोग मेरी रेसिपी जानना चाह रहे होंगे। तो मैं सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दलिया ले रही हूँ, ये मेरा ऑलरेडी भुना हुआ दलिया है, मैंने अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया था पहले ही, ठीक है। तो थोड़ा सा दलिया ले लिया, 4-5 जितना भी आपको चाहिए खाने को उतना, और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी थोड़ा सा, और तो पानी में मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, मतलब मुझे ज़्यादा गाढ़ा खाना पसंद नहीं है, पतला पतला ठीक है। और इसमें साथ में नमक ऐड कर देंगे, जैसे कि हम चावल रखते हैं बनाने, नमक ऐड कर दूँगी, इसको अच्छे से हिला दूँगी ताकि उसमें घुल जाए। यहाँ पर मैं कर दूँगी इसका ढक्कन बंद, और पहले तो मैं पूरा फुल फ्लेम पे इसमें एक सीटी लूँगी, एंड फुल फ्लेम के बाद इसमें मैं लूँगी आधा सीटी, मतलब एकदम एक आधा नहीं आधा से आधा सीटी नहीं, स्लो पे मैं लूँगी इसमें तीन या दो सीटी ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग, आपका कुकर में कैसे बनता है, मेरे में 2 सीटी स्लो पे आएंगी तो ये बन जाएगा। एंड उसके बाद जैसे हम दाल में छौंक लगाते हैं वैसे लगाएंगे, लेकिन दाल में जैसे कि हम हल्दी डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं और ये सब चीज़ डालते हैं, ये नहीं लगाएंगे। मैं इसमें जीरे का छौंक लगाऊंगी, हींग जीरा, सिर्फ हींग जीरा, और मिर्ची हम इसमें अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें मिर्ची ज़्यादा पड़, इसमें जरा सी भी मिर्ची होती है ना वो चढ़ती है, मतलब बहुत बुरी तरीके से आपको मिर्ची लगेगी अगर आप जरा सी एक पिंच भी अगर मिर्ची डालते हैं तो। सो प्लीज़ मिर्ची को इग्नोर कीजिएगा, और सिर्फ मैं इसमें घी में लूँगी, देसी घी में थोड़ा सा देसी घी लूँगी, जीरा लूँगी, हींग डालूँगी और इसमें तड़का लगा दूँगी ऐसे करके बस। और तड़का मैं अभी इसलिए ऐसे बता दे रही हूँ क्योंकि मेरे को जाना है अभी, मैं सिर्फ ऐसा बन के दिखा रही हूँ, ठीक है, ओके बाय। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओह
सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल इन एंड मॉम एंड थ्रू बी एंड नोबी भी हाई बोल रहा है आप लोगों को. नोबी हाई बोलो नोबी हाई. देखो कितना खुश हो गया आप लोगों को हाई बोल रहा है. हाई बच्चा हाई. देखो ये कितना खुश है, देख लो आप लोग ही देख लो कितना खुश है, कितना खुश है मेरा लाडला, कितना खुश है ये. देख लो ये देख लो कितना नाचे जा रहा है कितना नाच रहा है, कितना नाच रहा है. सो मैं ये देखो, एक वो भी है जो मुझे ऐसे ही देखता है जैसे नोबी देखते हैं, ऐसे वो भी देखता है. मैं आपको पास से दिखाती हूँ उसका फेस. आप इसका फेस, ये मेरे को ही देख रहा है टकटकी बांध के. आप देख रहे हो मैं जितना देर यहाँ खड़ी रहूंगी ऐसे ही देखता रहेगा मेरा फेस. देखो कितने क्यूट तरीके से देखता है, मुझे देखता ही क्यों, मुझे यही समझ नहीं आता. इतना क्यूट तरीके से ये देखता ही रहता है. इतना क्यूट लगता है ना मुझे, क्या बोलूँ मैं. ऐसे देखेगा कि क्या जानता है ये मुझे या क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे इसका. बहुत ही क्यूट डॉगी है ये. अभी कुछ दिख रहा है उसको, उधर उधर देख रहा है, बट बहुत सच में बहुत क्यूट डॉगी है ये. ये देखो आ गया घूम फिर के इधर. मेरा मन करता है इसको जाके मैं खिलाऊं पर नहीं खिला सकती हूँ. गाइस गुड आफ्टरनून, और मैं अभी जा रही हूँ, एक पूजा का फंक्शन है, मेरी फ्रेंड है उसके घर पे, सो मैं वहाँ जा रही हूँ. और मैंने यहाँ पर डाला है ये सूट विद लेगी एंड दुपट्टा एंड चोटी, इस तरीके से चोटी की है मैंने एंड टेनो ये बाली डाली हुई. ये मुझे खुद ही याद नहीं है मैंने कहाँ से ली थी, पर कहीं से तो मैंने ली थी ये. सो मैं जा रही हूँ वहाँ पे और तैयार हो गई हूँ. पूजा का फंक्शन है तो पूजा जैसे रेडी होना पड़ेगा ना. और हाथ में मैंने ये वाले बैंगल डाले हुए हैं. ये वाला बैंगल मैंने बताया था ना आपको, लिया था मैंने वहाँ से. पेनू को देखो कीटो पहनने में बिजी है. मैं पहना रही हूँ, फोन आ गया था इसको क्यूटो पहनाने भेजी थी. और इसको मैंने नॉर्मली ड्रेस पहनाया, बिकॉज क्या है कि स्कूल से आके नहला के मैंने इसको खाना खिला दिया है. तो खाना खिलाने के बाद अभी मैं इसको सुलाने का टाइम है इसका, बट इसको मैं सुला नहीं रही हूँ, इसको ले जा रही हूँ वहाँ पे सोएगी गोदी में, तो सो जाएगी ये मेरे. और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर. एंड मुझे थैंक यू, आप लोगों ने मुझे ये येलो टॉप के लिए बहुत सारे कमेंट किए थे, येलो जो मैंने पहना था टेनी के पिकनिक में मैं गई थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड इसके लिए भी मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से ड्रेस पहनी हुई है मैंने. चप्पल ये नहीं पहनूंगी, ये घर का इसलिए डाली हुई हूँ. और ये चोटी करके ऐसे मैं जा रही हूँ. सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि मैं लग कैसी रही हूँ. ओके सो रही हो कि, तो किसने नहीं खोला तो कौन खोलेगा. ओपन ही हो किटो, ओपन ओपन करो फटाफट. मैं भी आई बताई क्या, घर में आते ही अचानक से मुझे क्या दिखा, मैंने नोबी को आवाज़ दी, नोबी आवाज़ नहीं दे रहा था, मैं घबरा गई. मैं बालकनी में रखे थे क्योंकि धूप थी जब, तो अभी शाम होगी तो अंधेरा हो गया, तो जब देखा तो ये इनका ये जो ये था बाहर में थे सारे, तो ये वाला आधा ट्रे पे था आधा जाल पे था. मतलब या तो बिल्ली विल्ली ने खींचने की कोशिश की, बिल्ली तो आती नहीं है इधर में इतना ऊपर में, पर हो सकता है इन लोगों ने फाइट करी हो दोनों ने. ये ऐसे ही करते रहते हैं, ये दोनों नहीं करते, वो ज़्यादा करते हैं. मैंने सबसे पहले इनको आके देखा और अभी देखो कीटो वीटो नहीं खोले ना अभी, काफ़ी अच्छे से हुआ जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा. अभी काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया और बहुत अच्छा लगा. वैसे मैं ऐसी चीज़ों में मतलब कभी गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ा है जब मैं गई हूँ. टाइम भी था और तो चली गई, टाइम नहीं होता तो नहीं जाती मैं.
चलिए मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ अपना, ये डाल के रेडी। मेरी फ्रेंड भी बोली थी तो आज अच्छी लग रही है, पूजा पूजा करने आई ऐसी लग रही है। मैंने हाँ ऐसे करने आई हूँ। जो होता है ना सत्संग, वो था ये जो सत्संग करते हैं भोले बाबा का, वो था। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? चलो वीडियो एंड कर दे। हाँ बोलो बाय बाय टू टू बोलो बाय बाय टू ऑल बाय ऑल लव लव यू बाय टू ऑल लव यू गुड नाइट एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय 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 बाय। बोलो हमारे पापा आएंगे। हाँ हमारे पापा तब आपको आपको अच्छा 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 व्लॉग मिलेगा। व्लॉग व्लॉग नहीं व्लॉग क्या व्लॉग 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 टैनी 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 वो बोलना क्या बोलते हैं उसको हाँ? नहीं नहीं वो क्या बोलते हैं अरे जाना क्या? आप मैम बोलो कर मैम बोला करो टीचर को। ओके मैम हाँ मैम पढ़ाई खेलना ही ना जाने का ये कर दिया। जॉनी जॉनी वो सुना दो ट्विंकल ट्विंकल की मम्मा का नाम बाबा बाबा ब्लैक शीप पापा बैची। अच्छा पापा पापा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल? यस सर थ्री बैग्स फॉर वन टू थ्री फोर फाइव ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल C for cat. D for dog. E for helipad. F for helipad. F for apple. Marble. Fish. 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 Money. Fish. Marble. Jata hai. Shut up. Okay, guys. Good night. Love you all. मिलते हैं next video के साथ। तब तक के लिए take care. Bye. हाँ। ये बहुत बदतमीज लड़के हो गए। गुंडी हो गए। गुंडी गुंडी बच्चा। गुन्नी बच्चा गुन्नी बच्चा गुल्ली गुल्ली करता रहता है गुन्नी बच्चा। गाइस आज हम बात करेंगे टेम्पोन के बारे में। टेम्पोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पीरियड्स में यूज होता है। टेम्पोन आप पिक देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। इसको हमें अपने वजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है और ये पूरा आप अगर मान लीजिए नॉर्मल आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप इसको 8 आवर तक यूज कर सकते हो, नहीं तो 12 आवर तक यूज कर सकते हो। वो आपको महसूस होने लगता है कि आपको ये निकालना है या क्या करना है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक एक कि पैड से आपको रैशेज होते हैं, आपको पता चलता रहता है कुछ रैशेज हो रहे हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप जैसे कि मान लीजिए ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं एंड और भी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है तो वो इसका टेम्पोन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके okay?